IPL या इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हर साल करोड़ों लोग देखते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग IPL को बड़ी चाह से देखते हैं। तो आज मैं आपको IPL 2020 की पूरी जानकारी देने वाला हूँ और इस IPL के 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 यानी कि IPL 13। IPL पहली बार 2008 में एक T20 टूर्नामेंट के रूप में BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। यह IPL 29 मार्च 2020 को शुरू होने वाली थी, लेकिन वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को घोषणा की कि भारत में लॉकडाउन कम से कम 3 मई 2020 तक चलेगी। BCCI ने टूर्नामेंट को थोड़े समय के लिए टाल दिया। 2 अगस्त 2020 को यह घोषणा की गई कि टूर्नामेंट 19 सितंबर और 10 नवंबर 2020 के UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। 10 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने टूर्नामेंट को UAE में होने की अनुमति दी। सितंबर 2020 को टूर्नामेंट के लिए फुल फिक्सर्स को कंफर्म किया गया। 4 अगस्त 2020 को वीवो को इस साल के IPL के टाइटल स्पॉन्सर से निकाल दिया गया और 18 अगस्त 2020 को फैंटेसी क्रिकेट लीग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को IPL 2020 के लिए 222 करोड़ की बोली के साथ टाइटल स्पॉन्सर घोषित कर दिया गया। 29 अगस्त 2020 को इंडियन ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी अन एकेडमी को 2022 तक IPL का ऑफिशियल पार्टनर घोषित कर दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस IPL में COVID-19 या कोरोना वायरस का क्या असर पड़ा है। 28 अगस्त 2020 को चेन्नई सुपर किंग्स के 10 मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके अगले दिन एक और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके कारण बाद में BCCI ने घोषणा की कि सभी खिलाड़ियों पर कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल का परीक्षण नियमित रूप से इस सीज़न में पूरे IPL में किया जाएगा। BCCI इस IPL के दौरान 20,000 से अधिक COVID-19 या कोरोना वायरस टेस्ट के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मुंबई इंडियंस ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए स्मार्ट रिंग की मदद लेने का फैसला किया। असल में स्मार्ट रिंग एक पर्सनल हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस है, जिसे मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर्स IPL के दौरान पहनेंगे। ये सब तो हो गई COVID-19 के रिलेटेड बातें, तो चलिए अब इस IPL के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स के बारे में जानते हैं। नंबर 10th मार्कस स्टोइनिस, टीम दिल्ली कैपिटल, बेस प्राइस 1 करोड़, सोल्ड फॉर 4.8 करोड़। नंबर 9th ओइन मॉर्गन, टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, बेस प्राइस 1.5 करोड़, सोल्ड फॉर 5.25 करोड़। नंबर 8 सैम करन, टीम चेन्नई सुपर किंग्स, बेस प्राइस 1 करोड़, सोल्ड फॉर 5.5 करोड़। नंबर 7th पीयूष चावला, टीम CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, बेस प्राइस 1 करोड़, सोल्ड फॉर 6.75 करोड़। नंबर 6th सिमरन हेटमायर, टीम दिल्ली कैपिटल्स, बेस प्राइस 50 लाख, सोल्ड फॉर 7.75 करोड़। नंबर 5th नेथन कॉल्टेल नाइल, टीम मुंबई इंडियंस, बेस प्राइस 1 करोड़, सोल्ड फॉर 8 करोड़। नंबर 4th शेल्डन कॉटरेल, टीम किंग्स 11 पंजाब, बेस प्राइस 50 लाख, सोल्ड फॉर 8.5 करोड़। नंबर 3rd क्रिस मॉरिस,
टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, बेस प्राइस 1.5 करोड़, सोल्ड फॉर 10 करोड़। नंबर 2 ग्लेन मैक्सवेल, टीम किंग्स लेवल पंजाब, बेस प्राइस 2 करोड़, सोल्ड फॉर 10.75 करोड़। नंबर 1 पैट क्यूमिंस, टीम केकेआर, बेस प्राइस 2 करोड़, सोल्ड फॉर 15.5 करोड़। और इस शनिवार से ठीक शाम 7:30 बजे से आईपीएल शुरू होने वाला है, और अगर आपको जानना है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से टीम में है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आपको इस आईपीएल का शेड्यूल चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप आईपीएल के सच्चे फ़ैन हैं तो एक लाइक तो बनता है। और आपको क्या लगता है कि इस आईपीएल में कौन सी टीम जीत सकती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस आईपीएल के रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।